और आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान चैनल। किसान साथियों, नींबू की खोज में जो दूसरा पड़ाव है वो है हमारा अकोला में, जहां पर एक बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर पंजाब राव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय है। और ये प्रदेश इस प्रदेश में महाराष्ट्र में चार कृषि विश्वविद्यालय हैं, जिनमें से एक प्रमुख है। और जिस कैंपस में हम आए हैं वो कैंपस 1200 एकड़ में फैला हुआ है। हमने यही विश्वविद्यालय क्यों चुना, जो विद्यापीठ बोलते हैं वो क्यों चुना, कि यहाँ पर इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है एसिड लाइम की प्रजाति डेवलप करने में, उन्नत करने में। यहाँ पर एक साइंटिस्ट हैं डॉक्टर दिनेश पैठनकर, जो ऑफिसर इंचार्ज हैं, एक प्रोजेक्ट है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन फ्रूट्स, इसके ऑफिसर इंचार्ज हैं। और हम इनके बगीचे में भी गए, जिसकी बीच बीच में हम आपको झलकियाँ दिखाएंगे। तो बहुत ही सुव्यवस्थित था और हमने पूरा देखा है। तो किसान भाइयों, जैसे ये मैं मिशन लेकर चला था, जो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि पौधे कहाँ से लें, किस प्रकार के पौधे लें, और क्या बीजू पौधे लें या ग्राफ्टेड पौधे लें। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर, हमें ये बताइए कि जो एसिड लाइन पर जो ये विद्यापीठ काम कर रही है वो क्या क्या कार्य है, उनके बारे में बताइए। अब देखिए, अकोला जो है ये लाइम सिटी, ये लाइम सिटी के नाम से पहचानी जाती है। यहाँ का जो वाड़ेगांव का एरिया है, अकोला के करीब आजू बाजू का एरिया है, यहाँ का लाइम भारत भर सभी जगह जाता है और बहुत प्रसिद्ध लाइम है। बहुत रसीला छाल, जिसकी पतली होती है, रस बहुत अच्छा होता है, टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छा है। सर, ये बताइए कि इस विद्यापीठ ने कौन कौन सी प्रजातियां डेवलप की, स्पेसिफिकली जो आपकी विद्यापीठ की जो डेवलप्ड वैरायटी, सिर्फ उनके बारे में बताइए। हमारे यूनिवर्सिटी ने पीडीकीवी लाइन, पीडीकीवी बहार, पीडीकीवी चक्रधर और पीडीकीवी तृप्ति, ये चार प्रजातियां विकसित की है। इसमें से पीडीकीवी बहार जो है वो प्रोडक्शन के लिए अच्छी वैरायटी है। पीढ़ी की लाइम का फ्रूट बड़ा आता है, पीढ़ी की तृप्ति का फ्रूट बड़ा आता है, लेकिन इसकी छाल मोटी होती है। इसकी वजह से हम आचार के लिए ये प्रजाति रिकमेंड करते हैं। उसके बाद जो चक्रधर है, ये भारत में का पहला नींबू है जो सीडलेस है और थॉर्नलेस है, इसमें कांटे नहीं रहते हैं। फल थोड़ा छोटा रहता है, लेकिन इसमें रस का प्रमाण 60% तक रहता है, जो कि बाकी वैरायटी में 50%। जो आप यहाँ पे नर्सरी तैयार करते हैं विद्यापीठ में, वो किस विधि से करते हैं आप, ग्राफ्टिंग करते हैं या बीजू से करते हैं, और अगर जिस भी विधि से करते हैं तो उसके पीछे कारण क्या है? लेकिन नींबू एक ऐसा फल है जिसमें पॉलीएम्ब्रोनी रहती है, एक बीज से कई पौधे निकल के आते हैं। जो पॉलीएम्ब्रोनिक पौधे जो रहते हैं वो जिस उसमें जो गुण आते हैं और जिस पौधे से फल लिया है उसके जैसे गुण आते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं गिरता। और जो पॉलीएम्ब्रोनिक पौधा है वो वायरस फ्री रहता है, तो इसीलिए हम जो नींबू है वो बीजों से पैदा करने का ही सिफारिश करते हैं। दूसरा एक फायदा ऐसा रहता है उसका, उसकी जड़ें मजबूत रहती है और उसका पेड़ भी बड़ा होता है और ज़्यादा दिन तक टिकता है, इसलिए अपन वो जो है बीजों से उसका अपन उत्पादित करते हैं। कृषि पौधे विकसित करने की तकनीक, या तो हम कंटेनराइज नर्सरी से या मॉडिफाइड कंटेनराइज नर्सरी से या बैग में पौधे तैयार करते हैं। कंटेनराइज या मॉडिफाइड कंटेनराइज नर्सरी में हम पौधे प्राइमरी नर्सरी बनाते हैं, उसके बाद में पौधा बैग में लेते हैं, तो उसमें वो सेकेंडरी नर्सरी हो जाती है। एक बार विकसित हो जाए, 9 महीने
दस महीने का, तो उस पौधे को हम बैग में ले लेते हैं, तो उसका बैग का वजन लगभग 1.5 किलो तक होता है। जो ये विधि बताई है डॉक्टर साहब ने, हम गए थे नर्सरी में, हमने देखा था कि कंटेनर थे और वो थोड़ा जमीन से सतह से ऊंचे उस पर रखे हुए थे और वहां पर बीज बोए थे, ये उनकी पहली अवस्था होती है। और जब पौधा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको वो थैली में ट्रांसफर करते हैं, जिसे वो दूसरी अवस्था बोलते हैं। इस प्रकार से पौधे तैयार करते हैं। अच्छा सर, अब देखिए चार वैरायटी आपकी हैं, सात वैरायटी हमने कल सुनी है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी प्रजाति को हम या किसी को मतलब जो है ना प्रोपेगेट करना चाह रहे या किसी की सिफारिश कर रहे, अपने अनुभव के आधार पर बिल्कुल आप एक न्यूट्रल हो गए बताइए कि किसानों को जो शुरू करना चाहता है तो उसका मनोबल भी ना टूटे और उसे एक अच्छी प्रजाति में कौन सी से शुरू करें और किस तरह से, कौन सी प्रजाति आप जो जो चीज बिकती हो वो उगाना चाहिए पहली बात है। तो उसमें जो नींबू है उसमें पतली छाल जिसकी होती है और चमकीला होता है, उसमें जूस का प्रमाण ज्यादा होता है, वैसी वैरायटी आप लगाए, आपके कंडीशन में जो अच्छी आती हो वो लगाए। और दूसरी बात, वैरायटी थोड़ा 19-20 रह सकती है, उसमें मैनेजमेंट प्रैक्टिस ज़्यादा उसमें मायने रखती है, उसमें जो बाहर लेना है, बाहर इंड्यूस करना है, बाहर लाना है, फल टिकाना है और उसकी साइज बढ़ाना है, वो एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस से आ जाती है। तो ये थोड़ा 19-20 हो सकता है वेराइटीज में, ये सभी अच्छी वेराइटीज हैं, सभी वेराइटीज सही अच्छी है, लेकिन एक जगह पे ये वेराइटी अगर लगाए, एक साथ लगाए तो उसका परफॉर्मेंस देखे तो अपन उसमें जज कर सकते हैं ये वेराइटी अच्छी है। तो ये क्या हो रहा है कि एक आधी वेराइटी पर्टिकुलर एरिया में अच्छी चल सकती है, एक आधी वेराइटी दूसरी एरिया में चल सकती है। तो एक कंक्लूजन लाने के लिए, अगर एक जगह पे सब वेराइटी हो एक, तो उसमें से जो वेराइटी बेहतर परफॉर्म करती है, तो वैसे तो सभी वेराइटी 19-20 है, कोई उसमें कोई ये नहीं, दो राय नहीं। और एक बहुत अच्छा जो शब्द है इस्तेमाल किया है, मैनेजमेंट। आपका प्रबंधन जितना अच्छा होगा, जैसे मेरे पास किसान बताते हैं उसने नींबू का पेड़ लगा लिया और गेहूं लगा लिया, जब गेहूं कटेंगे 1.5 महीने तक बारिश मतलब पानी नहीं देंगे उसको हम जो, और उसके पास पास में उस 1.5 महीने में नींबू को बहुत नुकसान होगा, उससे बड़ी फसल ले लेनी चाहिए। प्रबंधन एक बहुत अच्छी चीज है, आप ये सीखिए कि पौधे को हम किस प्रकार जल्दी से जल्दी तैयार कर सकते हैं। तो सर एक ये बताइए कि पौधा जो ये बीजू पौधा है, इसे लगाने से जो हम ले गए, लगभग 1 साल का पौधा मिलेगा हमें, जो हम ले गए इसकी अगर अच्छी तरह देख रहे हो तो कितने साल बाद हमको फल मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए इसमें आपका मैनेजमेंट अच्छा रहा तो दूसरे 2 साल के बाद भी आप इस फसल ले सकते हैं। मतलब 1 साल का पौधा है और उसके 2 साल और, तो 3 साल के बाद हमारे को फसल मिल सकती है, फसल मिल सकती है। तो 1 साल का पौधा आप यहाँ से लेंगे, जो पौधा यहाँ से जाएगा उसके बाद में आपको 2 साल पालना पड़ेगा, तो वो 3 साल का हो जाएगा, 3 साल के बाद वो कुछ फसल देना, अगर प्रबंधन सही होगा, पौधे का स्वास्थ्य सही होगा, उसकी लंबाई सही होगी, वो निरोगी होगा। तो अच्छा सर, मेरे अपने इलाके के हॉर्टिकल्चर ऑफिसर से बात हुई थी, तो उसने कहा था मेरे को कि त्यागी जी देखो यहाँ पर सब नींबू लगा रहे हैं, मैं हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, जबकि यहाँ की जमीन में नमी है, मॉइस्चर है जो नींबू के लिए नहीं होगी। और एक और बहुत अच्छे किसान हैं, मेरा इलाका है गंगो के पास के, उन्होंने कहा कि त्यागी जी किसानों का इतना बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि आप यहाँ पर नींबू हो ही नहीं सकता। लेकिन कुछ बाग मैंने अभी ऐसे देखे हैं जो 3-4 साल पुराने हैं, उन पर नींबू अच्छे आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में, मॉइस्चर और इससे क्या? इसमें जो है पहली बात तो नींबू में ज़्यादा पानी और वो जो जड़ है उसके पास पानी अगर ज़्यादा जमा हो तो उसमें फाइटोप्थोरा नाम का एक रोग आ सकता है। जड़ों से पानी निकालना जरूरी होता है और यानी हमेशा जड़ ऐसे पानी में रहे, पानी जमा रहे बाग में, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए अपन थोड़ा रेज बेड सिस्टम है, थोड़ा ऊंचाई पे अपन नींबू लगा सकते हैं,
सो दैट वो जो पानी है ज्यादा एक्स्ट्रा पानी है आपके बगीचे में जमा होता है वो निकल जाए, वो निकल जाए। हाँ, और जिनकी जमीन अच्छी है, ड्रेनेज अच्छा है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता। जिनकी जमीन बहुत भारी है, पानी रुकता हो, तो वहाँ के नींबू में पानी आ सकता है। अगर आपका पानी रुकने की समस्या है, या हमारे इलाके में जैसे कभी कभी अब की बार बारिश ज़्यादा हुई है, तो ये रिकमेंड किया जाता है कि आप रेज बेड पर अगर लगाएंगे, क्योंकि पानी की नमी पहुंचनी चाहिए तने के पास तक, पानी नहीं भरना चाहिए और पानी नहीं ज़्यादा जाना चाहिए। तो इस बात से करेंगे तो आपको हो सकता है कि कुछ ज़्यादा सफलता मिले। अच्छा सर, एक और प्रॉब्लम मैंने देखी है, बहुत किसानों के मेरे पास फोन आते हैं कि जी मेरे पौधे में फूल आ रहे हैं और मैं पानी दूँ या ना दूँ, क्योंकि जब से उनकी बाहर मैनेज करते हैं पानी देने के बाद करीब एक महीने बाद शुरू होते हैं, तो कितने दिन तक पानी ना दें, और अगर पानी दें तो किस मात्रा में और किस प्रकार दें? हाँ, दे जो स्ट्रेस देते हैं, स्ट्रेस देना एक प्रकार का शॉक ही है, और स्ट्रेस रिलीज करने के बाद अगर तुरंत ज़्यादा पानी दे दे, तुरंत ज़्यादा पानी दे दे, बाहर जो फूल आते हैं उसके बाद ज़्यादा पानी दे, तो वो भी एक प्रकार का शॉक हो जाता है। भाई बहुत दिन पैसा रहा और एकदम से पानी पी लिया, कुछ तो भी उसमें प्रॉब्लम आ जाता है। तो पहला जो पानी है वो हल्का हल्का देना चाहिए, स्ट्रेस के बाद, हाँ स्ट्रेस के बाद का पानी हल्का देना चाहिए। अगर ऐसा ज़्यादा पानी दिए आपने, पानी जब सतह पे जमा रहता होगा और ऐसा पानी जब अगर दिए आपने, तो फ्लावर ड्रॉप होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हल्का पानी देना चाहिए पहला, उसके बाद जो पानी है वो रेगुलराइज करना चाहिए फूल आने के बाद। फूल आने हाँ, तो वैसे तो जो हम जो ड्रिप में ही ड्रिप में नहीं, वैसे फ्लड में भी दे सकते हैं, फ्लड में भी दे सकते हैं, और रेस बेड पे नहीं, रेस बेड पे तो आपको ड्रिप ही लेना लगाना चाहिए, और ड्रिप से तो ये पॉसिबल है। अगर फ्लड में देते हैं तो हम डबल रिंग मेथड उसमें बताते हैं देने के लिए, कि जड़ों तक पानी ज़्यादा जाए हैं, तो पहली जो रिंग है करीबन एक फीट के करीब झाड़ रखते पेड़ के, उसके बाद में दूसरी रिंग डालते हैं उसमें डेढ़ फीट का अंतर रखते हैं, वो दो रिंग के बीच में, दो जो रिंग है वो दो रिंग के बीच में हम पानी देते हैं। पहला पानी हल्का ही देना चाहिए, उसके बाद में अपन नॉर्मल रेगुलराइज पानी दे सकते हैं। तो किसान भाइयों, कितनी अच्छी जानकारी थी ये, कि जब आप फूल आ जाए और थोड़ा लगने लगे कि पौधा पानी मांग रहा है, तो बहुत हल्का पानी देना है आपको, बहुत ज़्यादा पानी नहीं है रुकना चाहिए, बहुत हल्का सा पानी दीजिए, फूलों को कोई अधिक नुकसान नहीं होगा। एक है बाहर कंट्रोल, जैसे अभी आपने स्ट्रेस वर्ड यूज किया, हम इसको कहते हैं ताव देना पौधों के, जो हम जैसे कहते हैं हस्त बाहर लगानी है, तो सितंबर के शुरू से हम इसको पानी देना बंद कर देते हैं, निराई गुड़ाई करके छोड़ देते हैं 20-21 दिन के, उसके बाद उसकी निराई गुड़ाई करके उसमें खाद डालते हैं और पानी अच्छी तरह देते हैं, तीन पानी दिए हमने, तो उसके बाद में आपके फूल आने शुरू होंगे। तो क्या ये इसका ये सही मेथड है या कौन सा मेथड है? हाँ, देखिए ऐसा है, नींबू में फल को साल भर रहते हैं, एक हिसाब से देखा जाए तो ज़्यादातर फल अगर जनवरी में आते हैं, फल यानी फ्लावरिंग, वो ज़्यादा एक 100% जो फ्लावरिंग पकड़ते हैं अपन साल भर का, तो उसमें करीबन 50-60% फ्लावरिंग वो जनवरी फरवरी में आ जाता है। दूसरा जो मृग का है वो जून जुलाई में करीबन 30-40% आ जाता है, और जो हस्त का फ्लावरिंग है वो करीबन 10% आता है, 9-10% करीब। तो इसमें हमें जो हस्त का फ्लावरिंग बढ़ाना है, तो हस्त का फ्लावरिंग बढ़ाने के लिए अगर इसमें क्या आ जाता है कि कोई दूसरे जो बाहर है मृग या आंबिया बाहर, उसका अगर फ्लावरिंग अपन या तो उसको आंबिया का फ्लावरिंग थोड़ा अर्ली कर ले, अच्छा, पहला कर ले, या मृग का फ्लावरिंग थोड़ा डिले कर ले, तो ये स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो वो आपको जो फ्लावरिंग है हस्त का, वो अपने को सितंबर से लेके करीबन नवंबर तक मिल सकता है। तो उसके लिए जो चीज है मृग में,
फ्लावरिंग डिले करने के लिए या फ्लावरिंग आए नहीं कम आ जाए तो उसके लिए एक जिब्रेलिक एसिड है उसका एक 50 ppm यानी 5 ग्राम 100 लीटर वाटर उसका स्प्रे रिकमेंड करते हैं। अगर बारिश आने के करीबन 15 से 20 दिन के बाद नए शूट्स होना चालू हो जाता है, अगर फ्लावरिंग की जगह उसमें शूट्स आते हैं तो वो आगे चल के सितंबर में आपके काम में आ जाते हैं, सितंबर अक्टूबर में काम में जाते हैं। तो अगर वो करीबन अपन बारिश आने के बाद अगर वो उसका स्प्रे ले लीजिएगा तो शूट्स आ जाएंगे, फ्लावरिंग कम रहेगा मृग का। अच्छा, मृग का या तो आने वाला फ्लावरिंग डिले होगा या शूट्स में कन्वर्ट होगा, तो वो अपने को सितंबर अक्टूबर में मिल जाता है, फूल मिलने के काम आ जाता है शूट्स। और दूसरा जो चीज है, आपने जो स्ट्रेस और ताव देना जो बोले, तो उसमें जो है सितंबर यूजुअली बारिश रहती है, वो स्ट्रेस नहीं ले सकता या ताव नहीं ले सकता, तो उसमें लियोसिन या साइकोसिन जिसे कहते हैं CCC क्लोरामफेनोल क्लोराइड, उसका एक 2000 ppm तक यानी 1000 से लेकर 2000 तक उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 मिली से 4 मिली तक, कभी कभी एक ही फॉर लीटर में नहीं नहीं उसका एक लीटर पानी में दो से चार मिली, 2 मिली लिया तो 1000 ppm हो जाएगा और 4 मिली लिया तो वो 2000 ppm है, क्योंकि वो 50% फॉर्म में आता है, जो भी मार्केट में प्रोडक्ट है कमर्शियल उसमें 50% फॉर्म में आता है। तो उसमें सितंबर के शुरुआत में दिया, उसका स्प्रे लिया, तो उसकी जो ग्रोथ है पौधे की वो स्टॉप हो जाती है, वो रेस्ट में चला जाता है। लेकिन अगर बारिश फिर भी आ सकती है 15-20 दिन के बाद, अगर वैसा चांसेस है तो उसका फिर से एक स्प्रे ले सकते हैं, उसका एक या दो स्प्रे उसकी जरूरी हो जाती है, सो दैट वो स्ट्रेस ले ले, आराम कर ले पौधा। और अक्टूबर 15 के करीब, 15 अक्टूबर के करीब उसका स्ट्रेस ब्रेक करना चाहिए। स्ट्रेस ब्रेक करने के लिए जो खाद है, पानी है, खाद है, और स्प्रे में पोटेशियम नाइट्रेट 13.45 उसको करीबन 2% यानी 2%, 100 लीटर पानी में 2 किलो उसका एक स्प्रे लीजिए और पानी दे दीजिए और जमीन में से बाकी के खाद दे दीजिए, तो आगे चल के आपको फ्लावरिंग उसको नवंबर अक्टूबर एंड या नवंबर में अच्छा फ्लावरिंग मिल जाता है आपको। तो किसान साथियों, ये थे डॉक्टर दिनेश पैठनकर, जिन्होंने इतनी अच्छी जानकारी दी। हमने बात की बाहर कंट्रोल पर, हमने बात की वैरायटी पर, हमने बात की के जो ये हमारे हैं कौन सी किस्म लगानी चाहिए, इन सब पर हमने बातें की। मुझे उम्मीद है कि इससे आप सब लाभान्वित होंगे, और इस बात से जब भी आप पौधे खरीदने जाएं या बाग लगाने की चाह रहे हैं, तो जो बातें बताई हैं बाग लगाने की और लगाने के बाद देख रहा की, जो एक अच्छा मैनेजमेंट की बार बार बात आती है कि आप उस पर अधिक ध्यान दें, तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इसी के